छत्तीसगढ़ के ये वन जंगल और इनमें छुपी विभिन्न जीवन उपयोगी ऐसी जड़ी बूटियां जो प्रकृति की मानव जाति के लिए एक बड़ी देन है, जिसका सम्मान करना मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम उनके महत्व को समझ सकें। ये एक ऐसी विद्या है जो बड़ी साधना से पाई जाती है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही विद्या के धनी वैद्य श्री संतराम यादव से, जो अंबिकापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम बटवाही में रहते हैं। सत्तर वर्ष की उम्र वाले संतराम ने पारंपरिक वैद्य की शिक्षा अपने दादाजी से प्राप्त की। पूर्व में वे उन्हें सहयोग करते थे, फिर पिछले लगभग 55 वर्षों से वे चिकित्सा कर रहे हैं और हजारों लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। संतराम बताते हैं कि चिकित्सा की उनकी विशेषज्ञता बांझपन में है। स्पेशलिस्ट बांझपन का, गठिया, सुबर, लकवा वगैरह वगैरह सभी बीमारी का। कितने ही संतानहीन दंपति यहाँ से इलाज करवाकर संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। ये फोटोग्राफ्स उन दंपतियों के हैं जो यहाँ से लाभान्वित हुए हैं। यहाँ तक कि 60 वर्ष की उम्र वाले दंपति भी संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। संतराम जी से जब उनके चिकित्सा विधि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, जैसे बांझपन के लिए आंवले में जो बंदा होता है उसका उपयोग करते हैं, और गठिया के लिए आपका ये पत्ती होता है, आठिल का पत्ती, उसको करते हैं। ये आंवले का जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये किसके लिए रहता है, महिला के लिए कि पुरुष के लिए या दोनों के लिए? महिला के लिए। अच्छा। और पुरुष के लिए अलग करते हैं। जैसे ये देखिए, वो ला के रखे हैं, उसको चूर्ण बना करके महिलाओं को समय के अनुसार देते हैं। और उसको लाते हैं कब, जैसे नक्षत्र स्वाति, अनुराधा ये वगैरह नक्षत्र के अनुसार से उसको निकाल के लाते हैं। जैसे पेड़ पे दूसरा पौधा, एक प्रजाति दूसरा, उसको लिया जाता है, वही आंवले का बंद होता है, तो उसको ला करके अपना सुखा करके पाउडर बना करके और उसमें फार्मूला एक आठों मिला के तो देते हैं। जैसे जिया पोता को पौधा और वो दोनों मिलाते हैं, एक और पौधा मिलाते हैं, इसके बाद देते हैं। बांझपन के अलावा संतराम कैंसर, वात, लकवा आदि का इलाज भी बड़े दावे से करते हैं। इन मरीजों में ज्यादातर वे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों से निराश लौटे होते हैं, चाहे वो इलाज में लगने वाले पैसों के कारण हो या डॉक्टर उन्हें जवाब दे दे तब। ऐसे में उनकी अंतिम आशा वैद्यों पर ही टिकी होती है। कांसाबेल से? कांसाबेल जी, ये जसपुर जिले में पड़ता है, ब्लॉक है कांसाबेल। कैसे आए हैं यहाँ पे? वो कांसाबेल से बगल वाले एक पोंगरों के हैं, उनको पैरालिसिस हो गया था, उन लोग बताए कि भाई हम लोग वहीं ले गए और जड़ी बूटी देता है, हमारा ठीक हो गया 3 दिन में से, करीब बोले तो हम लोग भी आए हैं कल। आप किसको लेके आए हैं? आप मेरी बेटी को लेके आया हूँ। अच्छा, कैसे हो गया था ये? ये हो गया, पड़ रही थी कुनकुरी में और बारिश वरिश में भींगी होगी, अब अलग रहती थी हम लोगों से, निमोनिया हो गया, उसी को ठीक करने हम रायगढ़ ले गए मेट्रो, अब वहाँ झटका और बोले कि सीरियस हो गया, रायपुर ले जाओ। मैं गैस्ट्रिक क्लेश 2011 से आ रहा हूँ, मुझे बहुत राहत है अभी। समस्या तो मेरा बहुत पुराना है, कम से कम 10 साल से ही पुराना है। वही डॉक्टर ट्रीटमेंट था, लेकिन उससे तो बस दवाई खाओ और थोड़ा देर के राहत, लेकिन इनका ट्रीटमेंट अच्छा है, इसीलिए मैं हर महीने आता हूँ, 2-3 महीने में। यहाँ दूर दूर के शहरों से लोग आते हैं। एक और खास बात यह है कि वैद्य इलाज का कोई पैसा नहीं लेते। लोगों ने जो भगवान को चढ़ा दिया ये उससे ही अपना गुजारा करते हैं। इनका मानना है कि पैसा लेने से इनकी विद्या का असर चला जाएगा। इस कार्य में पूरा घर इनको सहयोग करता है। संतराम के 3 बेटे और 3 बहुएं हैं और ये महिलाएं जड़ी बूटियों को कूटने के साथ साथ कभी कभी वैद्यराज के न होने पर इलाज भी कर दिया करती हैं।
धीरे धीरे वे अपने श्वशुर से पारंपरिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तीनों बेटे पिताजी की चिकित्सा में हाथ बटाते हैं। बेटे पिताजी की चिकित्सा में हाथ बटाने के साथ साथ मुख्यतः कृषि का कार्य करते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार ये तीन दिन मरीजों को देखने का दिन है। अन्य दिनों में वैद्यराज जंगल से जड़ी लाने का कार्य करते हैं। सुदूर जंगल से जड़ी लाना एक बेहद कठिन काम है, लेकिन 70 वर्ष की इस उम्र में भी वे बड़े ही जोश से आज भी जंगल जाते हैं और बड़े पारंपरिक तरीके से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं। जड़ी बूटी संग्रहण का समय भी निश्चित है, जो कि सूर्योदय से पूर्व का होता है। जड़ी बूटियों को पहले पूजा जाता है और उन्हें एक दिन सिर्फ निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें उन्हें साथ चलने का आग्रह किया जाता है और फिर अगले दिन उसे निकाल लिया जाता है। इस कार्य में घंटों लग जाते हैं और कभी कभी सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वन औषधि मिलने का एक सुकून भी दिल में होता है। फिर घर ले जाकर इनसे दवा बनाई जाती है। इस उम्र में भी संतराम स्वस्थ हैं, जिसके पीछे उनके जंगल जाने के साथ साथ लाठी चलाने का अभ्यास भी शामिल है। उन्होंने लोहे के सब्बल को लाठी जैसा घुमाया, जो शायद आजकल के नौजवान भी न कर सकें। पेशे से वैद्य संतराम ने अपने बेटों को भी इस विद्या से अवगत कराया है, साथ ही बहुत से शिष्यों को ये शिक्षा प्रदान कर इस विद्या को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य भी बखूबी कर रहे हैं। साथ ही एक समिति का गठन भी किया गया है, जो इनको लोगों की चिकित्सा में सहायक होता है। संतराम दवा देने के साथ ही झाड़ फूंक का कार्य भी करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो झाड़ फूंक क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया, मंत्र ताबीज से जो उनको शक रहता है कि हमें कोई कुछ कर दिया है या कुछ लग गया है, तो उसके संतोष के लिए मंत्र और ताबीज का उपयोग कर देते हैं, और नहीं तो बाकी पूरा जड़ी बूटी से अपना काम करते हैं। संतराम अपने शिष्यों को सिखाने के पहले उनको जांचते हैं। हाँ, कोई भी आ सकता है, किसी को भी हम बता सकते हैं। पहले तो उनको टटोलेंगे कि हाँ ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो टटोलने के बाद तब हम कहेंगे कि ठीक है, जब तुमको सीखना है, सीख चाहोगे तो आ जाओ। तो फिर अपने दिनचर्या के अनुसार बुला करके और एक हफ्ता, 15 दिन, महीना दिन उसको इंटरव्यू टाइप का लेंगे कि ये करेगा नहीं करेगा, सकेगा नहीं सकेगा, इसको क्या जानकारी है, कुछ जानकारी ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके अनुसार तब फिर उसको शिष्य बनाते हैं। जंगलों की कटाई से संतराम चिंतित हैं। उनका मानना है कि कटाई के कारण अब जड़ी बूटी में व्यापक रूप से कमी देखने को मिलती है। जंगल में अभी बहुत कमी आ गया है। क्या है कि जंगल जैसे कटाई हो रहा है, उस हिसाब से हर जड़ी बूटी विलुप्त होते जा रहा है, इसलिए इसमें बहुत कमी आ गया है। अब इसमें तो जब तक वही ला करके लगा करके नहीं रखेंगे तब तो विलुप्त हो जाएगा। और बहुत अमूल्य अमूल्य जड़ी हैं जो कि तत्काल काम करने वाला, अब ऐसा जड़ी तो मिल ही नहीं रहा है। जैसे किसी को कोई कट गया, अब कहें कि हम उस जड़ी को ला करके वहाँ लगा करके तत्काल काम कर लें तो दूर जाना होता है, या तो उसको रखे रहेंगे। और पहले रहा तो जड़ी उखाड़े, कट गया है तो लगा दिए और वहाँ मांस सट गया, ठीक हो गया। सरकार से संतराम आशान्वित हैं। उनका मानना है कि यदि शासन सहयोग कर दे तो विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाया जा सकेगा। शासन अगर कहीं दे दे सहयोग, तो जो विलुप्त हो रहा है उसको ला करके लगा करके और रखें, उसके घेरावा वगैरह के लिए और कुछ अपना करने के लिए। जड़ी बूटियों के संरक्षण के बारे में उन्होंने बताया कि जन सामान्य भी इसके संरक्षण में सहयोगी हो सकते हैं।
वनौषधि के प्रचार प्रसार के लिए भी संत राम जी ने बताया, कैंप लगाएं और फिर लोगों को समझाएं ताकि जंगल न कटे, जंगल बचे और लोग अपना फुलवाड़ी के जैसे लगा करके रखें औषधि, हम उनको बताएं समझाएं ये तरह से अपना वो कर लें। लोगों की आंखों में विश्वास जगाते ये वैद्य बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ मानवता के नाते बढ़े जा रहे हैं। इनके पास है तो सिर्फ लोगों की दुआएं, उनका प्रेम और विश्वास।